जमशेदपुर में लंबी दूरी की बसें खाली जा रही है। पहले जहां होली के एक दो दिन पहले बसों में टिकट नहीं मिलता था, तो वहीं इस बार लंबी दूरी की ज्यादातर बसें खाली ही जा रही हैं। जमशेदपुर में बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभात कुमार ने। रंगों और खुशियों का त्यौहार है, ऐसे में जो गांव से शहर में आके बसते हैं वो लोग गांव में जाते हैं होली मनाने को लेकर, और होली जब ये गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बसेज हैं, बस के जो मालिक है चाहे बस के कंडक्टर, उन्हें भी आशा रहता है कि होली में हमारी बसें अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से इस बार उस तरीके का नज़ारा नहीं दिख रहा। आप देखिए, हम बस स्टैंड में हैं। अमूमन बस स्टैंड में आपको होली के एक दिन पहले पूरा भीड़ खचाखच नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ तो दिख नहीं रही, लेकिन जो बस के कंट्रेक्टर हैं, जो खलासी, वो ही केवल नज़र आ रहे हैं। और इन जैसे ये लोग का कहना है कि कल थोड़ी सी गाड़ियों में भीड़ थी, लेकिन आज अगर बात करें तो कई बसेज हैं जो खाली हैं और आधा सीट भी नहीं हुआ। तो समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना ने हर पर्व त्यौहार में असर डाला है, चाहे वो दीपावली, छठ, जो भी पर्व बोले, सब पर्व में कहीं ना कहीं असर डाला। और उसी का नतीजा है, क्योंकि आज होली इतने बड़े त्यौहार, खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है, लोग गांव जाते हैं परिवार के संग होली मनाने के लिए, कि लेकिन वो नज़ारा यहां जमशेदपुर के बस स्टैंड पर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बसेस काफ़ी लगी हैं और जो टिकट काटने वाले जो लोग हैं काउंटर में, एक बार दिखा देते मेरे को सही को, देख काउंटर में लोग बैठे हुए हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि होली एक दिन पहले सभी टिकट बुक हो जाती है और काउंटर में एक भी लोग नज़र नहीं आते हैं। तो ये टिकट काटने वाला भाई साहब, किस इस बार जो होली में जो अंदाज़ा रहता था कि काफ़ी भीड़ मिलेगी, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो ये नज़ारा तो देखने नहीं मिल रहा है, क्या वजह? वजह है महंगाई का, वजह है महंगाई के चलते भी सवारी नहीं जाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आज चार चार स्पेशल ट्रेन दे दिया गया है, जिसका एक हफ्ता से प्रचार किया जा रहा है। तो जो आदमी 200-250 में जाएंगे वो 500-800 क्यों देंगे? अब बस के साथ मजबूरी है, डीजल खर्चा निकलता नहीं है। आज के डेट में भी आधा गाड़ी कैंसिल हो गया है, अब 3 दिन बाद ही चलेगी गाड़ी। ये बताया इन्होंने कि ये टिकट काटने वाले कॉन्ट्रेक्टर है, जैसे इनका कहना है कि रेलवे ने चार चार स्पेशल ट्रेनें चला रही है, तो लोग कहीं ना कहीं महंगाई है, क्योंकि ट्रेन में 200 से 250 रुपये में आप अपने गांव तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बस की मजबूरियां हैं, क्योंकि डीजल के दाम काफ़ी बढ़ गए, और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जो बस के टिकट है उसके दाम बढ़े हुए, तो वो नज़ारा तो देखने को नहीं मिल रहा। और चाहे वो हम बिहार जाने वाली बस उसकी बात करें, या उड़ीसा जाने वाली बस की बात करें, या फिर रांची, धनबाद, इन क्षेत्रों में जाने वाली बसों का अमूमन वही स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं आस जगा कर ये कंडक्टर बैठे हैं कि हो सकता है शाम तक थोड़ी सी टर्नआउट हो, लोग पहुँचे, और फिर इनके जो ये भी आशा लगा के रखे कि हमारा भी पर्व त्यौहार अच्छा होगा, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शाम तक थोड़ी सी भीड़ आएगी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनकी स्थिति और थोड़ी बेहतर हो सकती है। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।